दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। आज छोटा सा प्रयास संस्था के द्वारा कंगन घाट मरीन ड्राइव पटना सिटी में संस्था अध्यक्ष पर्यावरण मित्र सुभाष कुमार उर्फ अनु कसेरा के नेतृत्व में पांचवें चरण का सैकड़ों से ज्यादा नीम के पौधे का पौधारोपण हरियाली मिशन के तहत नीम कॉरिडोर बनाने हेतु किया गया। आज के पौधारोपण कार्य में मुख्य सहयोगी के रूप में महेश्वरी महिला समाज पटना सिटी शाखा अध्यक्ष आरती राठी अपने सहयोगियों के साथ बढ़ चढ़कर शामिल हुई। सबसे पहले सभी सदस्यों ने हाजीपुर कवरिया दल के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ जाने से दुर्भाग्यवश असमय दर्जनों कवरिया के हृदय विदारक मौत पर उनके आत्मा की शांति के लिए एक मिनट मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और गंभीर रूप से घायल कवारियों के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। तत्पश्चात सैकड़ों से ज्यादा नीम के पौधे का कंगन घाट को नीम कॉरिडोर बनाने के उद्देश्य से सबने मिलकर पौधारोपण किया। इस मौके पर पर्यावरण मित्र सुभाष कुमार उर्फ अनु कसेरा ने कहा कि पेड़ ही जीवन है। पौधारोपण के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संस्था 8 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में छोटा सा प्रयास के पर्यावरण मित्र सुभाष कुमार उर्फ अनु कसेरा, कन्हाई पटेल, संतोष अगहरी, जगन्नाथ कुमार, आदित्य केसरी, रवि अग्रवाल, संजीव झा, शाहिद अंसारी एवं महेश्वरी महिला समाज पटना सिटी शाखा के शाखा अध्यक्ष आरती राठी, वीना डागा, आलोक मुंडेरा, प्रीति मुंडेरा, अनु राठी, ऋतु पैरीवाल, आदित्य डांगा एवं संतोष कुमार इत्यादि पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। ओपन करने का क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मैं कन्हाई पटेल, सचिव छोटा सा प्रयास संस्था। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ये जो संस्था है लास्ट 8 सालों से कार्य कर रही है। इस वर्ष मानसून महीने में संस्था ने जो निर्णय लिया, जो निश्चय किया कि नीम कॉरिडोर बनाना है कंगन घाट स्थल को, इस रमणीक स्थल को, इस ऐतिहासिक स्थल को, इस धार्मिक धरोहर को, जहाँ पर तख्त श्री हरमंदिर जी महाराज के गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल कीड़ा क्या करते थे, बाल्यावस्था में इसी जगह पर खेलते थे अपने साथियों के साथ और मस्ती क्या करते थे, उनके इस ऐतिहासिक और यादगार धरोहर पर हम लोगों ने कंगनगढ़ मरीन ड्राइव को नीम कॉरिडोर बनाने के प्रयास के तहत आज हम लोग जो है सैकड़ों से ज़्यादा नीम का पौधा लगाए हैं। अब तक इस कैंपस, इस परिसर में 500 से ज़्यादा पौधा का जो है हम लोग रोपण सफलतापूर्वक कर चुके हैं। सारे पौधे जो है अच्छे देखभाल के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी संस्था के जो अध्यक्ष है अनु कसेरा जी, ये भी अपने विचार रखेंगे पर्यावरण संरक्षण पर। जैसा कि छोटा सा प्रयास संस्था के बैनर तले हम लोग पिछले 8 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के दरमियान हम लोग कंगन घाट रोड के दोनों साइड में जो कि खाली स्थान था, उस दोनों स्थान पे हम लोग लगभग 500 पौधा को रोपण किए हैं और इस स्थान को हम लोग नीम कॉरिडोर के नाम से नाम देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी पौधा लगा है वो सारा नीम का लगा है और पटना सिटी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 10 से ज़्यादा नीम कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखे हम लोग, हमारी टीम ने, और इस प्रयास को हम लोग जारी रखेंगे। और आने वाले समय में जो भीषण गर्मी पड़ रही थी वो तापमान कम हो उसके लिए हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष कुमार, पर्यावरण मित्र अनु कसेरा, अध्यक्ष छोटा सा प्रयास। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।